लोजपा और जदयू की राजनीतिक लड़ाई अब तक बिहार के अंदर चल रही थी, लेकिन अब इसके बीच की लड़ाई राज्य से बाहर भी देखने को मिल रही है। इसकी पूरी पटकथा तैयार है। लड़ाई की जगह देश की पूर्वोत्तर के राज्यों में शामिल नागालैंड है। यहां 27 फरवरी को विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अलावा बिहार के 3 प्रमुख राजनीतिक दल भी इस चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, जिसमें लोजपा, जदयू और राजद शामिल है। नागालैंड में अपनी जीत का परचम लहराने के लिए चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने बड़ी स्ट्रेटजी तैयार की है। यह स्ट्रेटजी वैसे ही है जैसे बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू को करारा नुकसान पहुंचाया गया था। इस बात की पुष्टि लोजपा बिहार के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह ने की है। चिराग पासवान की पार्टी ने तय किया है कि नागालैंड में वो अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। किसी भी दूसरे राजनीतिक दल से वो गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन सभी 60 सीटों पर अपनी उम्मीदवार भी नहीं उतारेगी। ऐसा इसलिए कि जदयू और राजद को रोकने के लिए चिराग पासवान ने भाजपा के साथ मिलकर अंदरूनी चाल चली है। 40 सीटों पर ही लोजपा अपने उम्मीदवार उतारने वाली है, जबकि बाकी के 20 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार होंगे। मतलब साफ है कि आधिकारिक तौर पर दोनों पार्टियों के बीच कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन जदयू को रोकने के लिए स्ट्रेटजी जरूर बन गई है। लोजपा के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह के अनुसार नागालैंड में जदयू को झटके पर झटका देने की तैयारी है। पहला झटका नागालैंड में जदयू की प्रदेश कार्य समिति को खत्म करके दी गई है। वहां पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी नेता और कार्यकर्ता लोजपा में शामिल हो चुके हैं। अब दूसरा झटका विधानसभा चुनाव में देने की तैयारी है। प्रवक्ता के अनुसार जिन 20 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार होंगे, वहां चिराग अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। सीधी लड़ाई उन सीटों पर होगी जहां जदयू के उम्मीदवार मैदान में होंगे। संभावना है कि जदयू भी वहां 40 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। प्रोफेसर विनीत के अनुसार लोजपा के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रणब कुमार नागालैंड के प्रभारी हैं। चिराग पासवान ने उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। गुरुवार को ही वो नागालैंड पहुंच चुके हैं। हर एक सीट का वो रिव्यू कर रहे हैं। मजबूत और कमजोर सीटों के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन होगा। संभावना है कि 2 दिनों में पूरी लिस्ट फाइनल हो जाएगी। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की मंजूरी मिलते ही 40 सीट और वहां के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। अपने स्टडी को दीक्षांत के साथ बनाइए स्मार्ट और बेहद आसान। दीक्षांत एडुटेक 18 फरवरी 2023 से ला रहा है दीक्षांत लर्निंग ऐप। दीक्षांत लर्निंग ऐप के माध्यम से नर्सरी से 12 तक मिलेंगे टॉपिक वाइज इंटरैक्टिव वीडियो, बोर्ड वर्क, स्टडी मटेरियल, डाउट क्लास, ऑनलाइन टेस्ट और आप ट्रैक कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट। साथ ही आपको मिलेंगे फ्री डेमो क्लासेज। रजिस्टर करने के लिए विजिट कीजिए www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।